नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान में स्थित सबसे लोकप्रिय स्थान जिसका नाम है माउंट आबू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माउंट आबू जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माउंट आबू में कौन कौन से स्थान देखने लायक हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला है नक्की झील। नक्की झील हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित सुंदर और चमकदार झील है। यह झील पहाड़, उद्यान और चट्टानों से घिरा है। इस झील से कई पुरानी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन्हीं के अनुसार यह झील नाखूनों का उपयोग करके देवताओं द्वारा बनाई गई थी। यही कारण है कि यह नक्की झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील पर नौकायन करने के लिए जरूर जाएं और खुशहाल यादों के साथ वापस आएं। इसी क्रम में दूसरा स्थान है टोड रॉक। यह टोड रॉक नक्की झील के पास स्थित है, जो आपको संपूर्ण झील और आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखा सकते हैं। इस जगह का नाम प्राकृतिक रूप से बने पत्थर की वजह से दिया गया है, जो कि किनारों से कुछ कछुआ जैसा दिखता है। तीसरा है हनीमून पॉइंट। यह नक्की झील के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसे अनादरा पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य से देखा जा सकता है। इस स्थान को हनीमून पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक चट्टान है जिसका आकार एक स्त्री और पुरुष के रूप में है। इसी क्रम में चौथा है अर्बुदा देवी मंदिर। अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पुरानी कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस जगह पर माता पार्वती के होठ गिरे थे, जिससे इसकी वजह से इस मंदिर को अधर शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। माता के दर्शन के लिए लाखों करीब 365 सीढ़ियां की चढ़ाई करके जाना होता है। पांचवा है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट माउंट आबू का शाम के पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है, जो नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसी क्रम में छठा पॉइंट आता है अचलगढ़ फोर्ट। अचलगढ़ का यह दुर्ग पहाड़ी अथवा गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। 900 ईसा आसपास इसका निर्माण परमार के शासकों द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि गुजरात के परमार शासकों के आराध्य अचलेश्वर महादेव थे, इसी वजह से इसे किले का नाम अचलगढ़ रखा गया था। और अगला है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने 1231 में बनवाया था।